Hello guys, welcome back to my channel. आज मैं एक न्यू यूनमिन स्टोरी लेके माय डॉक्टर. तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं. तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम सीन देखते हैं कि एक पेशेंट है, उसको काफ़ी जैसे इंजेक्शंस दे रहे हैं उसके टेस्ट वगैरह के लिए, और उसको कर रहे हैं काम करें क्योंकि इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हुआ है. और अब हम देखते हैं कि 3 years बाद का सीन जो कि उसी पेशेंट का होता है, और इस टाइम वो बहुत ही आराम से बैठा होता है. मतलब आराम से तो नहीं कह सकते, बट इस तरह बैठा है जैसे उसके पास कोई सेंसेस नहीं है उसकी, इस तरह बैठा हुआ है. और अब हम देखते हैं हमारे योंगी का सीन, जो कि एक्चुअली एक डॉक्टर है, एक बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर है, और वो US से वापस आ रहा है. वो US गया था अपनी स्टडीज़ के लिए, और फिर वहाँ पर एक साल वो डॉक्टर का वो कहते हैं डॉक्टर की जॉब ही करता है, और वो काफ़ी प्रोफेशनल डॉक्टर है. सब उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं क्योंकि वो आज तक अपने एक भी ऑपरेशन में फेल नहीं हुआ, और सब कहते हैं कि ये एक लाइफ दे देता है सबको, सबको बिल्कुल ठीक करता है. जो क्योंकि ये एक्चुअली उसने हर तरह के डॉक्टर्स के कोर्स किए हुए हैं, तो काफ़ी एज में, एज उसकी 30 है, और उसने काफ़ी ज़्यादा कोर्स किए हुए हैं और ताकि वो हर तरह के पेशेंट को हैंडल कर सके. और अब हम देखते हैं हमारे जिमिन का सीन, और अब हम देखते हैं हमारे जिमिन का सीन जो कि एक्चुअली अब सोया हुआ है. इस टाइम वो सो रहा है और अचानक से उसको एक नाइट मेयर आता है जिसमें वो काफ़ी डर जाता है और सेटिंग कर रहा होता है. और उस टाइम पे वो फ़ौरन एक जर्क से उठता है और फिर अपने आस पास देखते हैं तो वो अपने बेड पर लेटा हुआ होता है, और फिर वो सामने सीलिंग की तरफ देखते हैं और फिर आइज़ क्लोज करता है, खुद को काम करने की कोशिश करता है, बट उसकी आइज़ से टेयर्स फॉल हो रहे होते हैं. और फिर ना वो फिर से देखता है, और जब उसको फील होता है कि ना उसकी टीयर्स जब गिरने लगे हैं, तो फिर ना वो एक गहरी सांस लेता है, उसके बाद अपने टीयर्स को वाइप करता है और वापस सो जाता है. अब हम देखते हैं योंगी का सीन जो कि अब अपने मेंशन पहुंच गए अपनी फैमिली के पास, जहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं एक्चुअली उनकी डेथ हो चुकी है जब योंगी 15 का था, और योंगी सबसे छोटा है, और उसके 3 भाई हैं, जे होप, जिन और जेके. और अब हम देखते हैं जैसे ही जो जो वो अंदर एंटर हुआ है तो सब उसके वेलकम के लिए खड़े थे, और सब ने उसको आके वन बाय वन हग किया, और फिर सब उसको कंग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि वो एक फेमस डॉक्टर था इसलिए, और काफ़ी टाइम से वो घर नहीं आया था इसलिए वो कर रहे थे, और काफ़ी सब ने मिस भी किया. तो फिर वो कुछ टाइम तक चिट-चैट करते हैं. और जो अब मैं बता दूँ कि जो इसने जंको खाया वो ऑलरेडी मैरिड है तेंग से, और जो जिन है वो भी, और जिन इस टाइम प्रेग्नेंट है, 2 months प्रेग्नेंट है और नामजुन से, और जो जेहोप है वो भी एंगेज्ड है युवायन से. और अब हम देखते हैं कि जो योंगी है वो बात कर रहा होता है नामजुन से, क्योंकि नामजुन भी एक सर्जन है, नामजुन और जिन दोनों ही. और जो जेके और तेंग है, जेके एक सिंगर है और जो तेंग है वो एक मॉडल है, और जो वायन और हॉबी हैं दोनों ही एक डांस कंपनी चलाते हैं. तो इस टाइम वो नामजुन और जिन से बात कर रहा है कि इस जिस हॉस्पिटल में वो है तो उधर वो लेने के लिए मतलब जॉब लेने के लिए. तो फिर उसके बाद करते थे, तो फिर कहते जो नामजुन है तो कहते हैं मैंने पहली बात कर ली थी डायरेक्टर से, और वो काफ़ी खुश हुए थे ये सुन के कि ना कि तुम उनके उसको हॉस्पिटल को ज्वाइन करोगे, तो वो उन्होंने पहले तुम्हें इजाज़त दे दिया, तुम आ सकते हो तुम जब से ज्वाइन करना चाहो. तो फिर ना योंगी एक स्माइल करते कहते ओके, और उसके बाद फिर ना वो डिनर करते हैं सब कुछ और बातें करते हैं, और फिर ना जो योंगी होता है वो अपने दिन के बारे में बताते हैं कि वहाँ उसके डेज कैसे गुजरते थे, और इसी तरह कुछ बातों के बाद वो ऐसे हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने अपने रूम में. इसी तरह 1 week का टाइम स्किप होता है, और अब हम देखते हैं कि आज जो योंगी है वो यहाँ सेटल होने के बाद अब आ गया है, हॉस्पिटल में आया है, और गया डायरेक्टर के पास, उनसे कुछ बातें की, और वो भी बहुत खुश हुए हैं कि ये सुन के ये जो योंगी है वो उनके साथ ही काम करेगा उनके हॉस्पिटल में. तो वो भी बहुत खुश है, और वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब वहाँ हर तरह के पेशेंट्स हैं वहाँ, और मेंटल पेशेंट्स जो मेंटल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है वो भी हैं, और बाकी जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं और कुछ इस तरह की हर तरह के पेशेंट्स हैं वहाँ पे. तो फिर और अब हम देखते हैं कि जो योंगी है उसको एक नर्स उसका कैबिन दिखा रही है, तो
ना जो यूं ही था वो सब इधर उधर देख रहा था, बस देख रहा था और कुछ कहते नहीं, और फिर नन नट्स कहते कि